अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, बीएड वर्सेस डीएलएड लेटेस्ट न्यूज़। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका देने पर अड़े बीएड डिग्री धारक, महापंचायत में क्या हुआ, चलिए देखते हैं। प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती से बीएड के बाहर होने पर संयुक्त बीएड मोर्चा की ओर से शिक्षक दिवस में 5 सितंबर को प्रयागराज में बालसन चौराहे पर महापंचायत का आयोजन किया गया। ठीक है, अब बीएड अभ्यर्थियों की संख्या देखिए परेशान है, और लगभग कई जनपदों से आग्रह किया गया था और सभी लोग इलाहाबाद माने प्रयागराज में बालसन चौराहे पर पहुंचे और इन्होंने आह्वान क्या किया, चलिए जान लेते हैं। प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती से बीएड के बाहर होने पर संयुक्त बीएड मोर्चा की ओर से शिक्षक दिवस पर प्रयागराज में बालसन चौराहे पर महापंचायत का आयोजन किया गया। बीएड डिग्रीधारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसपी सत्येंद्र त्रिपाठी को सौंपा। मीन्स राष्ट्रपति को बीएड डिग्रीधारियों ने जो है अपनी मांग का जो ज्ञापन था कि उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाए, वो ज्ञापन एसपी जो है सत्येंद्र त्रिपाठी को सौंपा और उनकी समस्या पर सहानुभूत पूर्वक विचार करते हुए अवसर देने का अनुरोध किया। महापंचायत में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर भी पहुंचे और समर्थन दिए। मोर्चा के पंकज कुमार पांडे, अमित यादव, पुष्पेंद्र सिंह, अनु सिंह, देवेंद्र, सत्यम पाठक, योगेंद्र, कुशल, हरिओम व राहुल विद्यार्थी आदि का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से बीएड अभ्यर्थियों के भविष्य पर संकट है। प्राइमरी की शिक्षक भर्ती से बीएड अयोग्य होने पर लाखों छात्र हताश और परेशान हैं, निराश हैं। लिहाजा सरकार को चाहिए कि कानून पास कर बीएड को प्राथमिक स्कूलों की भर्ती में मान्य किया जाए, मीन्स मौका दिया जाए। ये बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से एक प्रयास किया जा रहा है और संभवतः सफल प्रयास होगा, क्योंकि जब भी लोकसभा चुनाव आता है तो जान रहे हैं, मैं बार बार यही बात दोहराता हूं। इसलिए समस्त बीएड अभ्यर्थियों से एक ही निवेदन है कि हार नहीं, जीत को लेकर चलना है, जीत सुनिश्चित होनी तय है आपकी। देखिए, चूंकि ये आपको मुद्दा मैं बताता हूँ भाई, चूंकि इस बातों से डीएलएड वाले भी पर नाराज होते हैं, लेकिन बीएड वर्सेस डीएलएड की लड़ाई यहाँ नहीं है। यहाँ जो बीएड की लड़ाई है वो एनसीटी से है, या कहिए तो एचआरडी से। भाई यदि चाहेगी तो लाएगी बिल और नहीं चाहेगी तो नहीं लाएगी, इसलिए यहाँ डीएलएड वालों को नाराज होने की कोई बात नहीं है। रोजगार अधिकार की उठाई आवाज। संयुक्त युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को रोजगार की मांग को लेकर पत्थर गिरजाघर के पास जोरदार धरना प्रदर्शन किया। कहा कि रिक्त पदों को भरने के चुनावी वादों व रोजगार संकट हल करने के प्रति सरकार गंभीर नहीं है और चेतावनी भी दी है कि अगर चुनाव से पहले सभी रिक्त पदों को भरने पर ठोस कदम नहीं उठाया गया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ठीक, तो भाई देखिए, डीएलएड वाले ही, आप सोचिए सरकार वैकेंसी नहीं निकालेगी तो क्या होगा। सभी लोगों को एकजुट होकर ये आह्वान करना चाहिए कि सरकार वैकेंसी निकाले। तो बार बार केवल चुनावी वादे होते हैं कि मैं इतना कर दूंगा, और जबकि पदों की संख्या कम नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। कम से कम मांग तो रखी जा रही है,
आंदोलन का नेतृत्व मोर्चा के केंद्रीय टीम सदस्य राजेश सचान व युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने किया। प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति और सीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संसद के विशेष सत्र में रोजगार अधिकार के लिए विधेयक लाने, केंद्र सरकार एवं राज्यों में रिक्त पड़े पदों को पारदर्शिता के साथ भरने, आउटसोर्सिंग व संविदा व्यवस्था खत्म करने, रेलवे बैंकिंग बीमा बिजली कोयला शिक्षा सेवा माने शिक्षा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निजीकरण पर रोक लगाने, प्रदेश में 6 लाख रिक्त पदों को भरने के चुनावी वादों को पूरा करने आदि की मांग की गई। विनोद तिवारी, अधिवक्ता के राय, राजवेंद्र सिंह, सुनील मौर्य, अविनाश मिश्रा, संघर्ष विक्रम, डॉक्टर कमल उसरी, अंशु मालवी आदि मौजूद रहे। तो देखिए, ये एक प्रयास है और यह बात सरकार तक पहुंच रही है और इस पर अमल होनी निश्चित है कि तय है। तो इसलिए इस धरने का और इस महापंचायत में यही हुआ कि अपनी मांग को रखा गया, ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपने, माने राष्ट्रपति तो पहुंचेगा ही राष्ट्रपति तक और सीएम तक भी मामला पहुंचाया गया है। संघर्ष करते रहें क्योंकि जीत सुनिश्चित है। ठीक, वीडियो यदि पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।